Hello everyone, today we are going to do exercise C of class 6th grammar, grade 1 with grammar, Macmillan Education. Children, in my previous video, I described you the whole exercise B of chapter 3. Now today we are going to do C exercise. And listen carefully, if you are new to the channel, and you wish continue to watch videos of the solution, so kindly subscribe and press the bell icon. तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके सॉल्यूशन कंटिन्यू इसी तरह मिलते रहें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करी जाती है तो जो लोग सब्सक्राइब होते हैं उनको ये सारी वीडियोस सबसे पहले पहुंच जाती हैं सॉल्यूशन की. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. Exercise C. The words couple, brace and pair mean two, but they are not interchangeable. बताया गया कि जो words हैं couple, brace, pair, इनका सबका मतलब होता two है, लेकिन ये interchangeable नहीं है. मतलब जहाँ पर couple आता है वहाँ brace नहीं आ सकता, जहाँ पर brace आता है वहाँ pair नहीं आ सकता. तो आप देखते जाइएगा और मैं आपको explain करता जाऊँगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों है. देखिए, ए फर्स्ट वन इज अ डैश ऑफ शूज़. तो शूज़ को हम पेयर में कंसीडर करते हैं. अगर हम देखेंगे कि एक जैसा ही हमारे जो है लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन में पहनने की चीज़ है, तो डेफिनेटली हम उसको पेयर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि पेयर में ऐसा होता है कि एक के बिना वो दूसरा भी बेकार होता है. पेयर बेसिकली अधिकतर उन्हीं चीज़ों के लिए आता है जहाँ पर एक के बाद दूसरी चीज़ जो है वो अगर एक यूज़ेबल नहीं है तो दूसरा भी आप उसका यूज़ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर शूज़ है, अगर हमारे पास एक शूज़ है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एक पेयर शूज़ है तो ठीक है. अगर एक सिंगल बचा, एक हमारा डैमेज हो गया, तो हम दूसरा शूज़ कभी यूज़ करते हैं? कभी नहीं कर पाते. सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कपल, ब्रेस एंड पेयर इज़ जस्ट लाइक दैट. तो फर्स्ट में आएगा पेयर. सेकंड वन में चलते हैं. स्पेलिंग्स तो आपको क्लियर हैं ऊपर, इसलिए इस वीडियो में मैं स्पेलिंग्स नहीं लिख रहा हूँ. सेकंड नंबर है ए डैश ऑफ पिस्टल्स. डैश ऑफ पिस्टल्स का मतलब हो गया पिस्टल. सभी लोग जानते हैं पिस्टल क्या होता है, तो पिस्टल बताने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर आएगा ब्रेस. दो अलग अलग चीज़ें जब हम लेते हैं, सेपरेट चीज़ें, जब एक सेपरेटली हम यूज़ कर सकते हैं और अगर वो दो हम ख़रीद रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेस, अ ब्रेस ऑफ पिस्टल्स. उसके बाद अ कपल ऑफ फूल्स. नंबर थ्री पर है ए डैश ऑफ फूल्स. यहाँ पे कपल आ जाएगा और कपल को भरने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि कपल बेसिकली जो है वो पर्संस के लिए यूज़ होता है. एक कपल ऑफ फूल्स मतलब मूर्ख लोगों का पेयर, यानी दो मूर्ख लोग. नंबर फोर देखिए, ए डैश ऑफ डेज. अ कपल ऑफ डेज. कपल ऑफ डेज मतलब जब हमारी एक जैसी दो चीज़ें नहीं हो सकती. जैसे फूल्स बताया गया था ऊपर आपको, तो फूल्स में भी एक जैसे दो लोग नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते, इसीलिए इसमें जो है कपल आ गया. अब इसमें फोर्थ नंबर में भी कपल ऑफ डेज आ गया कि एक जैसे दो दिन नहीं हो जाएंगे लगातार वाले. तो अब नंबर फाइव की तरफ चलते हैं. नंबर फाइव है ए डैश ऑफ पीजेंट्स. पीजेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर आपका जो है, तो पीजेंट्स का मतलब आप समझ लीजिए कि आर्टिकल से है. तो पीजेंट्स का मतलब हो गया. अब हमको यहाँ ब्रेस इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि वो भी आर्टिकल भी हम सेपरेट यूज़ कर सकते हैं दोनों, तो हम बोलेंगे ए ब्रेस ऑफ पीजेंट्स. इसके बाद सिक्स नंबर है ए डैश ऑफ ट्राउज़र्स. डैश में हम यहाँ पर पेयर फिल करेंगे क्योंकि ट्राउज़र्स में भी यही सिस्टम होता है कि अगर हमारा एक लेग यहाँ पे डैमेज हो जाएगा तो फिर ट्राउज़र हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते होंगे, इसीलिए यहाँ पर पेयर आएगा. सो चिल्ड्रेन, दिस इट वाज एक्सरसाइज सी ऑफ चैप्टर 3. अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ओके, थैंक यू.